जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल समृद्धि एजुकेशन में, जहां आपको हर वो नोटिफिकेशन दिया जाता है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी न्यूज़ आती है सबसे पहले हमारे चैनल पे दी जाती है। आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, थोड़ा सा काम था। ओके, तो कोई मैटर नहीं है, आपको दे दो रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो न्यूज़ जो है वो है RRB, जो ALP का एग्जाम अभी ने आपने दिया था, असिस्टेंट लोको पायलट का, उससे रिलेटेड न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी खबर है कि जो आपने एग्जाम दिया था उसकी आंसर की आ गई है। ठीक है, इतनी जल्दी उन्होंने आंसर की दे दिया है, तो आप उसे आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, ये पक्की न्यूज़ है। प्रूफ के लिए मैं आपके साथ हमेशा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़ा रहता हूँ। ठीक है, प्रूफ के लिए मैं आपसे हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से लेके आता हूँ। तो ये आपकी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड इलाहाबाद की वेबसाइट से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, RRB इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी झूठ नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आंसर की जो है आपकी, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 13/9/2018, यानी कि आज ही ये न्यूज़ आई है 13 सितंबर 2018। तो इसमें लिखा गया है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्लिक हियर फॉर ऑब्जेक्शन ट्रैकर फॉर द कैंडिडेट अपियर्ड ऑन फर्स्ट स्टेज CBT फॉर द पोस्ट ऑफ ALP एंड टेक्नीशियन। ठीक है, तो ये आपका ALP एंड टेक्नीशियन जो फर्स्ट स्टेज CBT था उसकी जो आंसर की है उसके लिए ऑब्जेक्शन के लिए आप ये यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जो आपका ये टाइम है, इन्होंने जो टाइम दिया है वो 5 दिन का टाइम इन्होंने दिया है आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए। अपनी आंसर की जो ये आउट करेंगे उसके लिए आप ऑब्जेक्शन 5 दिन कर सकते हैं। 5 दिन कहाँ से कहाँ तक? 14, यानी कि कल, कल से लेके 18 तारीख तक। ठीक है, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। और अभी से आप परेशान मत होइएगा, लिंक जो है वो कल से एक्टिवेट होगी। ठीक है, लिंक जो है वो कल से एक्टिवेट होगी, कल 9 बजे से एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद आप आंसर की देख सकते हो और ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो और बता दें कि आप जो ऑब्जेक्शन करोगे तो काफ़ी अच्छा तरीका है RRB का। जैसे आप पेपर है ना, आपने एग्ज़ाम दिया था, तो वैसा ही सेम पेपर आपको दे दिया जाएगा। और उसमें जहाँ जहाँ मतलब ABCD ऐसे होकर के ऑप्शन होंगे, और जो ऑप्शन आपने टिक किया तो वहाँ पे टिक होगा, और जो ऑप्शन राइट है तो वहाँ भी टिक होगा। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आप अपना मार्क्स वहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना मैंने गेन किया है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो वहीं पे ऑब्जेक्शन फॉर्म होगा, तो उसको आप फिल कर सकते हो। और एक प्रूफ भी देना होगा आपका, ऑब्जेक्शन कर रहे हो तो कोई ना कोई आपको प्रूफ भी देना होगा। काफ़ी पक्का सबूत, मतलब कि पक्का प्रूफ होना चाहिए, कोई भी ऐसा वैसा नहीं कि किसी किताब से आप इधर उधर से। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आप पेपर, अगर आपको क्वेश्चन याद होंगे तो कोई पक्के प्रूफ के रूप में आप कलेक्ट कर सकते हो कहीं से साइट से, किसी ऑफिशियल साइट से, तो वहां से आप ले लेना। ठीक है, बाकी आपको ये देना पड़ेगा एक प्रूफ। और बाकी अगर नहीं होता है, अगर RRB उसको डिक्लेयर मतलब डिस्कार्ड कर देगी। ओके, चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देखिए, फिर क्लिक करते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर क्या है, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि जो ओपनिंग डेट है एंड टाइम ऑफ रेजिंग ऑब्जेक्शन ये 14/9/2018, यानी कि कल से। और जो क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ रेजिंग ऑब्जेक्शन है वो 18/9/2018, यानी कि 18 सितंबर 2018 11:55 बजे रात को बंद हो जाएगी, और उसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो। तो जल्दी से करिएगा, ठीक है, 18 तारीख का वेट मत करिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी अपना ऑब्जेक्शन अगर आपको लगता है तो आप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ RRB के द्वारा स्टेप्स भी फॉलो करने के लिए कहे गए हैं, उसको भी देख लीजिएगा आप। इसका जो पिक है या फिर इसका जो पेज है, मैं आपको अभी दे दूंगा, इसकी लिंक दे दूंगा कहाँ से आप देख सकते हो। तो ये सब मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और लिंक जो है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगी, वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो 7800830378, ये हमारा नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, 7800830378। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार मैं ये पेज दे दूंगा तो आप वहाँ से पढ़ लेना। और जो आप ऑब्जेक्शन करोगे तो उसके लिए केवल एक ही भाषा है, इंग्लिश। ठीक है, तो केवल इंग्लिश भाषा में आपको ऑब्जेक्शन करना है। और क्या है आपका, इससे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, जो ये अपनी आंसर की देंगे, जो फाइनल आंसर की होगी, ठीक है, फाइनलाइज्ड आंसर की जो होगी, उसको ये जब आपका ये पूरा हो जाएगा ऑब्जेक्शन फॉर्म, उसके बाद ये अपनी फाइनल आंसर की आउट कर देंगे, जिससे कि आप देख सकोगे और फिर आपको एकदम एक्यूरेट नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही थी आज की हमारी न्यूज़, जो कि आपके ALP के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। बाकी जो RRB ग्रुप डी का एडमिट कार्ड आ गया है, आप डाउनलोड कर सकते हो हमारा लिंक, मतलब कि जो लिंक है हमारी नेक्स्ट वीडियो, यानी कि ग्रुप डी का एक एडमिट कार्ड पे वीडियो बना, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, बाकी मैंने और जगह शेयर कर दी, तो वहाँ से आप ले सकते हो। ओके, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और बाकी अपनी प्रिपरेशन अच्छी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर ग्रुप डी। ओके, चलिए, थैंक यू।